तो गाइस आज के इस वीडियो में ये एसर के लैपटॉप की मैं अनबॉक्सिंग करना वाला हूँ, जो कि स्विफ्ट सीरीज से आता है। ये लैपटॉप दिखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन ये मैकबुक को भी बीट कर देता है। जी आपने सही सुना, ये कोई ऐसा वैसा लैपटॉप नहीं है। आपको पता ही होगा, मैंने इस चैनल पे पहले मैकबुक की अनबॉक्सिंग डाला हूँ, तो मुझे पता है क्या मैकबुक है और ये क्या है। चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो का मेन फोकस इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी डिटेल रिव्यू में रहेगा। तो गाइस आज हम अनबॉक्स करने वाले एसर स्विफ्ट 3 ओलेड डिस्प्ले वाले लैपटॉप की। तो देख सकते हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। देख करते हैं साइड, आते हैं अपने मेन डब्बे की तरफ। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑफिस होम एंड स्टूडेंट के लिए है सारा। यहाँ पे देख सकते हैं वैसा सर्टिफाइड डिस्प्ले है, ट्रू बैक देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे यहाँ कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये इंटेल के साथ आता है, ये i5 है और 12th जनरेशन एच सीरीज का है। ये प्रोसेसर 2.8 के ओलेड डिस्प्ले है इंटेल का, एक्सी ग्राफिक्स है, 8 GB LPDDR5 मेमोरी है, 512 GB की SSD है। देख सकते हैं सब चीज़। चलिए सील को ब्रेक करेंगे इस चम्मच से, जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा। तो सील ब्रेक हो चुकी है गाइस, चलिए इसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। कि ये हमें लग रहा है फुल अनबॉक्सिंग आपको टेकी सत्यम के चैनल पे ही मिल रही है, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलते हैं अपने लैपटॉप को, करते हैं साइड। ये हमें कुछ देखने को मिल जाता है एसर की तरफ से, देख सकते हैं स्टेप गाइड है। ऐसे करते हैं साइड, ये कुछ लिफाफों को हमने ब्रेक किया। ये वारंटी ट्रेवल पासपोर्ट कुछ देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ काफ़ी मोटी है, देख सकते हैं। इसे भी करते हैं साइड, चलते हैं चार्जर की तरफ। तो देख सकते हैं पहला तो ये ऐसा कुछ चार्जर देखने को मिल जाएगा। चार्जर टाइप सी को सपोर्ट कर सकता है, करता है ही है, देख सकते हैं जैसे मैकबुक वाले में करता है। ये देखिए कुछ कैसा लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है मैक्सिमम 100 वाट आपको देखने को मिल जाता है। चार्जर हो गया, ये है चार्जर दोनों। इसे ऐसे करते हैं साइड, इसे भी करते हैं साइड। आते हैं मैं लैपटॉप की तरफ, तो काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं लैपटॉप को सजाया गया। ये देखिए पहला लुक भाई, गजब। देखिए एकदम पतला सा है, 14 इंच का, काफ़ी देखने में सुंदर है, देख सकते हैं। पोर्ट्स की तरफ बात कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं अभी USB पोर्ट है, HDMI है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है। देखें यहाँ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉक है, एक और है USB पोर्ट और एक जैक। ये देखिए वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। चलिए इसे ओपन करते हैं, चार्ज है, ये देखिए चार्ज है, तुरंत ही ओपन हो गया, देख सकते हैं। फिर से मैं बंद करता हूँ, एक ये देखिए तुरंत ही ओपन हो जाता है। तो सेटअप करके मिलते हैं। तो गाइस मैंने लगभग सेटअप फिनिश कर चुका हूँ इस विंडो का, देख सकते हैं कभी भी ऑन हो सकता है, यहाँ पे लिख के आ भी रहा है। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, बॉडी इसकी बहुत ही मजबूत है, हाथ में पकड़ेंगे तो लगेगा कि कुछ प्रीमियम चीज़ होल्ड किए हैं। अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं, काफ़ी ये अच्छा लैपटॉप है कोडिंग के लिए। कह रहा है कि प्लग इन है भाई, प्लग इन है, टेंशन ना लो। ऑलमोस्ट देयर ब्रो, खुल गया जी, खुल गया खुल भाई, गया क्या है खुल तुमके गया डिस्प्ले खुल बना गया दी खुल क्या गया भाई? खुल गया। यो ब्रो ये है हमारा इंटेल व्यू भाई, लोग देखिए ये सर्टिफाइड ओलेड डिस्प्ले, एकदम देखिए एकदम सितारे चांद चारों तरफ से एकदम टूट टाट के गिर जाएंगे लग रहा है। गाइस देख सकते हैं SSD की स्पीड बहुत ही तगड़ी स्पीड है, ये
जीबी में भी आ रही है, अभी 3 GB प्लस आ रही दोनों में। तो चलिए इसका जो डिस्प्ले है उसकी सेटिंग में जाकर देख लेते हैं क्या क्या फीचर है। लगभग दे सकते हैं 3K के आसपास इसका रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले, गजब का डिस्प्ले बनाते हैं इन लोगों ने। ग्राफिक्स के अंदर चलते हैं, मैं आपको डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। आप अगर हमारे वीडियो देखेंगे तो आपकी नॉलेज टेक की दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो इतनी स्पीड थी भैया, बहुत तगड़ी स्पीड है। तो चलिए टास्क मैनेजर में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। फ्रंट एंड तो सही है, बैक एंड में क्या है? तो बैक एंड में आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम। आप देख सकते हैं जो भी चीज़ आपको देखना है सी ड्राइव में देख सकते हैं। ये स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, बहुत तेज चलता है वैसे लैपटॉप। ये GPU की 4 GB की मेमोरी मिल जाती है। इंटेल का आयरिस XE ग्राफिक्स कार्ड यूज किया गया है। तो चलिए वेबकैम पे चलते हैं और देखिए मैं आ चुका हूँ आपके लिए। तो देख सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी नॉर्मल इंटरफेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कलर अलर, फेस डिटेक्शन भी आपको देखने को अच्छा मिल जाता है। आप फेस डिटेक्शन अच्छा देख सकते हैं। ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा थोड़ा फ्रीज हो रहा है कि क्योंकि जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ शायद वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन तब भी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, आप चीज़ें समझ जाएंगे। यहाँ पे जूम करने को भी मिल जाता है, जूम करने पे भी कुछ खास वीडियो फुटेज में असर नहीं मिलता है। काफ़ी अच्छी है मेरी प्यारी सी स्माइल। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसा कुछ देख सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक की एक फ़ोटो, देखते हैं कैसी आई है मेरी फ़ोटो। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए गेम प्ले कर लेते हैं, क्योंकि ये H सीरीज का प्रोसेसर है। H सीरीज के प्रोसेसर गेमिंग करने में कैपेबल है। मॉडर्न वॉरफेयर 5 मैंने इसे डाउनलोड किया है, बहुत ही तगड़ा गेम है। ग्राफिक्स भी इसमें अच्छी है, काफ़ी अच्छा गेम है। लगभग 3 GB के आसपास इसका साइज था। तो चलिए ओपन करते हैं। नेट इसके लिए चाहिए होता है तो मैंने नेट से जोड़ दिया है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। गेम प्ले आप देखिए, खुद ही डिसाइड कर लीजिए कैसा आपको गेम प्ले लगा। मैं गेम के बाद मिलता हूँ आपसे। काफ़ी आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। देख लीजिए 4 GB में से 1.4 GB यूज हुए थे, इसमें 746 GB रैम, मेरी 746 MB रैम है अवेलेबल थी 8 GB में से, ज़्यादा यूज नहीं हुआ। गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा। तो चलिए इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। लगभग मैंने इसे अराउंड 1 month के अराउंड यूज कर लिया। तो जैसा कि देख सकते हैं मैकबुक में पोर्ट्स की कमी होती है, लेकिन इसमें पोर्ट्स ठीक ठाक दिए गए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैकबुक में 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट होते हैं, इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है जी, आपने सही सुना, मैंने अपने मोबाइल के चार्जर से इसे चार्ज किया है, ये हो जाता है, पावर सप्लाई तो मिल ही जाएगी। साथ ही मैकबुक में बहुत ही कम वाट का चार्जर देखने को मिलता है, इसमें 100 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। साथ ही ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि अराउंड ये 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जी आपने सही सुना। और साथ ही इसमें एक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिससे 80% पर ऑटो कट हो जाएगा, जिससे आपकी लैपटॉप की बैटरी लाइफ बनी रहेगी। साथ ही ये पूरा एल्युमिनियम फिनिश देखने को मिलता है, गोल्डन लुक है, काफ़ी प्रीमियम लैपटॉप है, काफ़ी हल्का है, मैं एक हाथ में से
उठा सकता हूँ, कोई मुझे भारी नहीं लगेगा। ये आप गोद में भी रख के इजीली काम कर सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इसका डिस्प्ले, लिटरली इतना इसका बढ़िया डिस्प्ले है, लगभग आपकी 2 लाख के मैकबुक के डिस्प्ले को भी इजीली बीट कर देता है। अगर ये वाला डिस्प्ले अगर मैकबुक में पड़ने लगा तो शायद मैकबुक की प्राइस 3 से 4 लाख तो शायद क्या ही बताया जी कितनी होगी। आप कमेंट करके बताइए अगर ये वाला डिस्प्ले एप्पल के लैपटॉप में आने लगा तो एप्पल के लैपटॉप की प्राइस कितनी बढ़ेगी और कितनी होगी। बस इसमें एक चीज मुझे डिसएडवांटेज लगा जो मैकबुक से मैं कंपेयर किया, इसकी बैटरी लाइफ। मैकबुक में बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिलती है, 10 आवर प्लस का बैकअप देखने को मिल जाता है, बट इसमें 4 to 5 आवर का बैकअप देखने को मिलता है। बस यही कमी थी, और ये मत भूलिएगा ये कमी थी, ये मैकबुक से कंपेयर हो रहा है लैपटॉप, एप्पल के लैपटॉप वर्ल्ड में एक नंबर पर माने जाते हैं, उसमें ये डिस्प्ले के सामने मैकबुक भी खड़ा नहीं हो पाया। तो यही था इस वीडियो में, मैं इसे 10 में से 9.5 की रेटिंग देना चाहूँगा, बिग थम्स अप है इसके लिए। 55,000 इसकी प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इजीली परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो ऐसे ही लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल टेकी सत्यम को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अगली आने वाली वीडियो होगी और डिटेल कंपैरिजन, जितना भी आप सोच सकते उससे भी ज़्यादा डिटेल कंपैरिजन मैकबुक वर्सेस एसर दोनों का कंपेयर होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें ऐसी डिटेल वीडियो के लिए।